देखो सबसे पहले अपन ने ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया NaCN4-2, निकल को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, निकल का x माना साइनाइड का माइनस वन होता है, माइनस वन इंटू फोर, ऊपर चार माइनस टू, सोल्व करके x निकाल लिया, यानी निकल कौन स्टेट में आ गया, प्लस टू स्टेट में आ गया है ना। तो निकल प्लस टू, निकल का होता है 3d8, 4s0, सॉरी 4s2, तो निकल प्लस टू का हो जाएगा 3d8, 4s0, 3d8 लिख दिया। अब देखो लिगेंड है साइनाइड, कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फिल, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग करते ही ये ऐसा हो गया। अब देखो एक दो तीन चार, ये चार ऑर्बिटल मैंने काम में लिए लिए, ठीक है ना। ये चार ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जिसमें साइनाइड अपने लोन पे डोनेट करेगा, ठीक है। स्टेट क्या आ गई, DSP2 आ गई। अच्छा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कोई नहीं बचा इसके अंदर, देखो डायमैग्नेटिक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, वो n की वैल्यू जीरो जीरो आ जाएगी। इसी तरह से इस एग्जांपल में देखो ये क्या है, PY है, PY पिरिडीन है, पिरिडीन क्या है, डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। इसको x माना, पिरिडीन पे चार्ज जीरो होता है, x प्लस टू आ गया। कोबाल्ट का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2, तो कोबाल्ट प्लस टू क्या हो जाएगा, 3d7 4s0। अब इस तरह से अपन ले सकते हैं, ठीक है। पिरिडीन स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वो पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग करते ही कंडीशन आई। अब टोटल सात इलेक्ट्रॉन है, बना भी दोगे ना तो एक अनपेड रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा अनपेड। अब हमने ये चार ऑर्बिटल काम ले लिया, एक दो और इस तरह से अपन ने बना लिया, ये बात सुनाएंगी। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आप बताइए मुझे। ये बताइए NiDMG2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऑलरेडी आपके एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ भाई। NiDMG2, DMG जानते हैं आप, DMG पढ़ाया मैंने, तो इसका निकालो बेटा फटाफट। DMG क्या है, DMG है बेटा डाइमिथाइल क्लाइऑक्सीमेट, वेरी गुड साक्षी सुथार, बहुत बढ़िया बेटा इंसा पवार, बहुत बढ़िया। देखो सुनो ये मैं लिगेंड आपको पढ़ा चुका हूं पहले, सारे बोला भी था मैंने, जिसने लिगेंड को ढंग से पढ़ लिया ना उसको सब कुछ आएगा। बताइए था ये था डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है। तो देखो यहां डोनर सरफेस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इस पे चार्ज है -1, कितना चार्ज है -1 चार्ज है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले निकल का एक्स डाइएमजी -1 × 2, एक्स सॉल्व करने पर आ गया 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखो निकल क्या हो जाएगा,
प्लस टू में 3d8 4s0। ठीक है बेटा, ये जो है इस तरह की पिक्चर है। अब बताओ ये लिगेंड कैसा होगा, SFL या WFL? बताओ भाई ये लिगेंड कैसा होगा, SFL होगा क्योंकि डोनर सरफेस क्या है, नाइट्रोजन है ना, डोनर सरफेस नाइट्रोजन है तो ये SFL है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखो ये पेयरिंग करेगा, जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये पिक्चर बनी। ठीक है, आफ्टर पेयरिंग चार ऑर्बिटल चाहिए हमें, देखो एक दो तीन और चार, ये काम है। ठीक है ले लिया, तो अब बताओ हाइब्रिड स्टेट का DSP2 आ गई भैया, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई DSP2। ठीक है फिर बोलो n की वैल्यू 0, UBM 0, ये क्या आ जाएगा डाया मैग्नेटिक। अच्छा DSP2 है तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर, कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर समझो, बहुत काम का ये, सुनना ढंग से। स्ट्रक्चर में कुछ खास बातें देख क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सर है क्या, देखो डोनर एटम नाइट्रोजन, ठीक है ये नाइट्रोजन, एक काम करता हूं एक बार मैं इसको हटा देता हूं, हो गया डोनर एटम नाइट्रोजन है। अब देखो बेटा सुनो, इनका अरेंजमेंट ध्यान दीजिए, ये देखो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की एक खास बात देखना, देखो यहां क्या होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देखो ये क्या हो रही है, ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा है ना, तो ये कंपाउंड जो है ना वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है ड्यू टू किलेशन, ठीक है एक्सेसिबल है इस कारण, किलेशन के कारण। ठीक है और ये जो है ये है रोजी रेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है रोजी रेड का मतलब आप ऐसे समझो चेरी कलर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है अब देखो बेटा सुनो, इसमें किलेशन हुआ है, देखो एक तो ये देखो लिख देखो आप यहां से चलो, देखो कार्बन नाइट्रोजन निकल नाइट्रोजन कार्बन, एक बार आप इस रेड वाली लाइन को फिर हटा रहा हूं मैं एक बार। ठीक है तो
तो देखो ये फाइव मेंबर की रिंग बनेगी, देखिए यहाँ फाइव मेंबर स्टार्ट करो निकल से, एक दो तीन चार पांच, तो फाइव मेंबर की ये रिंग बनी, इधर ये भी फाइव मेंबर की रिंग, ठीक है। इसी तरह से देखो ये बन गई सिक्स मेंबर की, ये भी बन गई सिक्स मेंबर। तो इसमें क्लेशन बहुत ही ज्यादा हुआ और इस क्लेशन के कारण ये क्या है कॉम्प्लेक्स एक्सेसिबल, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, स्क्वायर प्लेनर डीएसपी टू एक्स्ट्रा स्टेबल सब कुछ पूछा हुआ है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बेटा ये ढंग से तैयार कर लेना, कंफर्म आता है क्वेश्चन ये। ये क्वेश्चन कंफर्म आता है, बोलो कोई डाउट। बोलिए ये नोट्स में देखो यहां बना रखा है, ये यहां पर ये डायग्राम है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कंफर्म मिलेगा ये। चलिए आप देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ये भी जेई और नीट दोनों आया हुआ है और एज वेल एज ट्वेल्थ बोर्ड में भी। इसकी बात करते हैं टेट्राअमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट, इसकी इसको समझना थोड़ा सा है ना, ये क्या है इसको समझते हैं अपन है ना। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x 4 into 0 सल्फेट का माइनस x की वैल्यू क्या आ गई, तो आ गई तो कॉपर प्लस 2 क्या हो जाएगा Cd9 4s, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी देखो D9 है ये 3D, ये 4S, ये 4। अब जो मैं बात समझाने जा रहा हूं ना उसको बहुत ढंग से समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। देखो बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग है नाइट्रोजन है तो कोई दिक्कत है नहीं हमें, है ना। अब बताओ क्या पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग पॉसिबल है, पेयरिंग तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड एक अकेला है, अब किसके साथ पेयर बनाए। तो देखो यहां एक अलग चीज ऑब्जर्व होती है, होता है क्या कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनकी मेटल के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। अब बेटा इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होती है और वो रिलीज एनर्जी
इतनी होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सकती है, है ना। तो क्या हुआ देखो सुनो, यहां से ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां आ सकता है। अब देखो तो ये हो गया जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए ये हो गया जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जंप किया, ठीक है, और वो चला गया, ठीक है। देखो कैसे अब फाइनल पिक्चर क्या बनेगी, ये बनेगी। इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। अब देखो क्या होगा, हमें कितना ऑर्बिटल चाहिए, चार चाहिए। तो देखो एक ये ले लिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एवरी स्टेट क्या आई, एवरी स्टेट आई पी एस पी टू, है ना। सुन लो मेरी बात, देखो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एस एटम। हमेशा ध्यान रखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इतनी एनर्जी आ सकती है आपके पास कि आप एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा सको, ठीक है ना। अच्छा ये ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, ऐसे नहीं कि एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आप जंप करवा दो, ठीक है ना। और फिर क्या करना है, एम्प्टी ऑर्बिटल शुड बी यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, शुड बी यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये समझ में आया, बोलो। तो अगर वीक फील्ड होता तो जंपिंग नहीं होती, स्ट्रॉन्ग फील्ड है जंपिंग होगी। तो देखो हाइब्रिड स्टेट आई PsP2, ठीक है। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन एनपेयर्ड पड़ा है, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। तो n है भैया, n की वैल्यू अगर 1 है तो म्यू बी एम क्या आ जाएगा, रूट 3 आ गया। 4s में नहीं जाएगा बेटा, देखो 4s में जाएगा तो फिर आप यूज किसको लोगे, s ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में काम आते ही आता है ना। बिना इसके तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, sp sp2 sp3 कोई सा भी चेक कर लो आप, ठीक है ना। भी हमें अगर dsp2 बनाना है तो एक पी हमारे लिए रह जाएगा ना dsp2 में, और इतनी एनर्जी होती है कि वो आराम से 4p में भेज सकता है इसको, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपर सेकंड सल्फेट, इसमें क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। जंप तभी होगा जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड में जंप नहीं होगा, ये ध्यान रखना बड़ा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है 12th में भी, नीट में भी और जेई में भी। अब एक बात सुनो बेटा, देखो टेट्रापिरिडीन में जंपिंग कौन से एग्जाम्पल में, उसमें तो ऑलरेडी पेयरिंग हो रही थी ना, तो ये खाली हो गया था ना, जो कोबाल्ट वाला एग्जाम्पल कराया था मैंने, जो इससे पहले मैंने कॉपर थोड़ी लिया था, चेक करो इस एग्जाम्पल को, इससे पहले मैंने ये एग्जाम्पल लिया था, हाँ भी आप देखो सुनो, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना इससे रिलेटेड, देखो कॉपर सल्फेट को अगर अपन अमोनिया से ट्रीट करें, ठीक है ना, तो क्या होता है, देखो ये मिल जाता है, मिल जाता है ना। तो ये लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है डार्क ब्लू कलर का, कैसा होता है, डार्क ब्लू कलर का। अच्छा इस कॉम्प्लेक्स का एक नाम और है,
स्विट्जर रीजन, इसको बोलते हैं स्विट्जर्स रीजन, है ना, क्या नाम है इसका, स्विट्जर्स रीजन, है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना। अब देखो सुनो, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में पॉसिबल है, है ना, एसिडिक मीडियम में होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, देखो बेटा सुनो, NH3 अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो H प्लस होगा, ये H प्लस इस अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना देगा, अमोनियम आयन, और अमोनियम आयन अब लिगेंड का काम नहीं कर पाएगा, क्यों, नाइट्रोजन के पास अब कोई लोन पे नहीं बचा, समझ में आया, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। बोलो ये बात समझ में आ गई, बेसिक मीडियम में तो हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में नहीं होगा, ठीक है। बोलो चले आगे, अब देखो बेटा सुनो, अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ना वो बहुत ध्यान से सुनना, देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड ये सिर्फ और सिर्फ है ना 3D सीरीज में काम आते हैं, 45D सीरीज में सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं, वीक कोई भी नहीं है, है ना। इसे देखो सुनो, मैंने ये लिया PTCl4 minus 2, है ना, KAgF4, HAUCl4, PbCl2, NH3 2, ठीक है। फिर मैंने ये लिया RHPPH3 whole thrice C। अब देखो बेटा सुनो, एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट, और यही के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पक्का क्वेश्चन पूछती है, कंफर्म आता है, ठीक है ना। अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम 4D और 5D का है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान से सुनना, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सेंट्रल मेटल एटम 4D या 5D का है, ठीक है, और ये देख लेना कि ये नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि इनमें तो D10 आ जाएगा, ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 45D का है, और ये नहीं है ZnCDHG, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमेशा और हमेशा और हमेशा DSP2 ही निकालना है, क्योंकि DSP2 आता है इनका, है ना, इनमें क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैडमियम और मरकरी में तो D10 आ जाएगा, तो D10 में तो खाली है ही नहीं, है ना। तो बेटा सुनो, 4D 5D सीरीज में कोई सा भी लिगेंड आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, हमेशा DSP2 बनेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, है ना। 3D जानते हो ना, 3D में कौन कौन से होते हैं, ये है दिखा, इनको छोड़ के आपको कोई भी दिख जाए, देख रहा हूं इनमें से कोई नहीं है ना, नहीं है ना बेटा। तो ऐसी कंडीशन में मान के चलना कि हमेशा और हमेशा DSP2 आएगा। ऐसा अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी बेटा कि जैसे जैसे अपन डी ब्लॉक में नीचे जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो मेटल का लिगेंड के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होने लग जाता है, और उस इंटरेक्शन के कारण क्या होता है कि वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में भी पेयरिंग होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, 4D 5D में कुछ भी आ जाए, चाहे वीक चाहे स्ट्रॉन्ग, कोई वीक है ही नहीं, सारे स्ट्रॉन्ग है, क्या ये बात समझ में आई।
हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफर्म क्वेश्चन देता है ये, कि ध्यान रख लेना बेटा, है ना, 110% क्वेश्चन आएगा, और अगर आएगा ना उसमें भी ये दो पीटी पीटी कंफर्म आएगा, है ना, पक्का आएगा, ठीक है। चलिए बात को आगे चलाते हैं। अब एक चीज बताओ बेटा, मैं नेक्स्ट लेता हूं FeCO5, इसका बताओ। चलो FeCO5, FeCO5 का बताइए, इसमें निकाल के बताइए। DSP3 आ रहा है, नैना मदान लिगेंड 5 है बेटा, ये नीट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। देखो बेटा समझते हैं, देखो FeCO5 कार्बोनेट 5 × 0, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, है ना। तो Fe का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2, है ना, ये देखो। एक बात बताओ, इसके साथ जो लिगेंड है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो पेयरिंग होगी और शिफ्टिंग भी होगी, है ना। देखो बेटा सबसे पहले ये चार अनपेयर्ड दिख रहे हैं, दिख रहे हैं चार अनपेयर्ड, चार अनपेयर्ड से ये हो गया, ये दो शिफ्ट और मार जाएंगे, ये टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 से 4 पेयर बने, बन गए नहीं बन गए। अब बनने के बाद देखिए ये वाली पिक्चर आ गई मेरे पास, अभी अब चेक करो, टोटल 5 लिगेंड है ना, तो 5 ऑर्बिटल काउंट करो, 1 2 3 4 5, ESP आया समझ में, बोलो आ गया क्या। चलिए इसका निकाल के दीजिए, NaCN5 -3, इसका निकालो बेटा। इसका निकालो, DSP3 आ रहा है, DSP3 आ रहा है सबके,
आने क्या सबके डीएसपी थ्री? ठीक है, डाउट है डीएसपी थ्री में? डाउट है नहीं? अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर ये डीएसपी थ्री आया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो डीएसपी थ्री में दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल और एक होती है स्क्वायर पिरामिडल। अब ध्यान से सुनो ना, तो मैं बात समझाना चाह रहा हूं। एक बेटा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर तो ये, ठीक है, और स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर ये, ठीक है। अब स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगी वो समझना है अपने को थोड़ा सा, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, है ना, जो मैं समझा रहा हूं बात को। एक बात बताओ, देखो इस FeCO5 का जो डाइपोल मोमेंट आता है, ट्वेल्थ में पढ़ा, सॉरी इलेवेंथ में केमिकल बॉन्डिंग में एक जगह आपने पढ़ा था डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या पढ़ा था? डाइपोल मोमेंट। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, और जब इसका डाइपोल मोमेंट देखा गया तो इसका तो जीरो नहीं आता है, है ना। तो अब कौन से स्ट्रक्चर से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझना इसको ढंग से। सबसे पहले बताओ कि इस स्ट्रक्चर का डाइपोल मोमेंट जीरो आ सकता है क्या? चेक करते हैं, ध्यान देना। देखो ऊपर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड दोनों 180 पर है, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बताओ इस बॉन्ड के कारण डायरेक्शन ऐसी होगी, होगी भी है। जब दो वेक्टर के बीच एंगल 120 हो, इन दोनों वेक्टर के बीच, तो रिजल्टेंट भी वही आता है ना। देखो सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो इसके कारण म्यू आया, इसके कारण भी म्यू आया, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसके कारण भी म्यू है, इसके कारण भी म्यू है, क्योंकि ग्रुप तो सारे एक ही जैसे हैं, इन दोनों के बीच एंगल है 120, ठीक है ना। तो आप लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2F cos थीटा / 2, ऐसा फिजिक्स में पढ़ाते हैं बेटा, आपका एक फॉर्मूला आता ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू cos थीटा। जब पी और क्यू सिमिलर हो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा फिर आपके पास। अब देखो जब मैं एफ की जगह म्यू ले लेता हूं इसको, तो टू म्यू cos थीटा / 2। अब देखो थीटा कितना है, 120, तो थीटा / 2 यानी क्या हो गया, cos 60 हो गया, तो 2 म्यू cos थीटा की वैल्यू 1/2। इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या आया, म्यू आया, इसका म्यू है ही, है नहीं। देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल, फिर इसको पढ़ते हो ना बेटा, जब भी दो वेक्टर हो तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का म्यू कितना आया, जीरो आ गया ना, बोलो जीरो आ गया। इसमें देखो जीरो नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। देखो ये इसको कैंसिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये इसको कैंसिल कर रहा है, लेकिन इस ऊपर वाले को कैंसिल करने के लिए नीचे कोई नहीं है, तो इसका म्यू जीरो नहीं है, तो इसका म्यू जीरो नहीं है और इसका म्यू जीरो है ना बेटा। ये तो फिजिक्स की बात बोली है, दो वेक्टर के बीच जब एंगल 120 होता है तो उनके रिजल्टेंट की वैल्यू भी वही आ जाती है ना, आ जाती है कि नहीं आ जाती, बोलो। तो अब बताओ म्यू जीरो इसके अकॉर्डिंग इस पेंटागोन आयरन की तो TBP होगी, और इसका म्यू जीरो नहीं है तो इसकी ये होगी। ध्यान रखना हाइब्रिडेशन स्टेट या जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा से
डिटरमाइन होती है, ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन कोई एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये समझ में आया क्या? बोलो। वैसे देखो एग्जाम में अगर आएगा ना, वो यही आएगा आपके लिए, सिर्फ ये आएगा है ना, ये तो नहीं आएगा, पर ठीक है, बताया मैंने एक एग्जाम्पल आपको। अरे बोलो, आएगा तो एग्जाम में ये आएगा। हाँ अगर होगा तो व्यू दिया रहेगा बेटा, व्यू दिया रहेगा, और नहीं दे तो आप तो इसके अकॉर्डिंग टीबीपी करना। ये अगर देगा ना, इसका व्यू दिया रहेगा वो, ये ध्यान रखना। चलिए आप बताइए मुझे, ये बता के दीजिए, CU5 माइनस इसका निकालो बेटा, CuCl5 माइनस 3। क्या आ रहा है? sp3d आ रहा है बेटा, वेरी गुड। देखो सुनो, कॉपर का x -1 × 5 -3, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो कॉपर +2 है, कॉपर प्लस टू हो गया 3d9 4s0, ठीक है ना। तो 3d9 की बात करें, तो है ना, कैसे ले लें अपन 3d 4s 4p 4p के बाद 4d भी होगा। अच्छा चलो सुनो, इसके साथ लिगेंड कौन सा है? Cl- कैसा लिगेंड होता है? क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है ना, तो अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है, वो जंप तो नहीं करवा सकता, वीक फील्ड लिगेंड जंप नहीं करवा सकता, तो फिर 5 ऑर्बिटल कहां मिले? देखो 1 2 3 4 5, ये आ गया, कौन सा क्या बताऊं, sp3। अच्छा बोलो, ये डाया या पैरा? ये डाया या पैरा? पैरा मैग्नेटिक है ना, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, चेक करो है ना। अब एक चीज सुनना बेटा, देखो इससे पहले जो अपन एग्जांपल किया था वो था dsp3, और अब है sp3d, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, जब अपन ने DSP3 काम में लिया, तो देखो D अंदर वाला काम आ रहा है, देखो आउटर माउस फोर है और D 3 का काम आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ D देखो बार वाला काम आ रहा है, चेक करो, यहाँ D 4s 4p से पहले वाला, यहाँ 4s 4p के बाद वाला, तो देखो बेटा अंदर वाला काम आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये पास नहीं बोल सकते हैं क्या, अंदर वाला काम आ रहा है ना, है ना, या कौन सा काम आ रहा है बाहर वाला, इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अरे इनर और आउटर समझ में आया क्या, इनर और आउटर समझ में आया क्या, बोलो। अब एक चीज और समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो आपने कभी पढ़ा होगा कि सिमिलर क्वांटम नंबर हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट क्वांटम नंबर हाइब्रिडाइजेशन, है ना, नहीं शेप में कोई चेंज नहीं होगा बेटा, वही आएगी आपकी, है ना, टीपीपी। देखो आपके लेवल पर सिर्फ आप एक पेंटाकार्बोनिल आयरन ध्यान रख लो, बाकी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑर्बिटल काम आए इनके क्वांटम नंबर डिफरेंट है या सिमिलर है, बताओ, 3d4s4p डिफरेंट है ना, एक का 3 बाकी दोनों का 4 4, डिफरेंट है। और यहां देखो 4 4 और 4, है ना, सिमिलर है ना, समझ में आ गया क्या। देखो बेटा अगर d पहले आए तो डिफरेंट क्वांटम नंबर है, और डी बाद में आए तो वो सिमिलर है। देखो ऐसे याद रखो, डी पहला आ गया, डी पहला आ गया ना, तो ये हो गया डिफरेंट क्वांटम नंबर, और एस पहला आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया सिमिलर क्वांटम नंबर, याद रखिएगा, एस से सिमिलर और डी से डिफरेंट, ये बात समझ में आई क्या। अरे पहले इनर आउटर समझ में आया, ये दोनों टर्म समझ में आए क्या, सबको समझ में आ गए, इनर आउटर। अच्छा अच्छा, डिफरेंट क्वांटम नंबर और सिमिलर क्वांटम नंबर हाइब्रिडाइजेशन, ये डिफरेंट क्वांटम नंबर हाइब्रिडाइजेशन है, ये सिमिलर क्वांटम नंबर हाइब्रिडाइजेशन है ना बेटा, बोलो। एक चीज और सुनो, अब देखो एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, समझना इस बात को, दो टर्म है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको समझ लीजिए। एक बात बताओ, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक चीज पढ़ी होगी, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा ना, एस की वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ। अभी एक बात बताओ, जब ये मेटल लिगेंड के साथ नहीं था तो इस मैनिफाइल इलेक्ट्रॉन कितने थे, देखो 1 2 3 4, है ना, ध्यान दो यहां पर 1 2 3 4, इस वाले एग्जांपल में तो 4 है, 4 × ½ कर दो तो ये 2 आ गया, लेकिन जैसे ही लिगेंड साथ आया तो अब बोलो कोई मैनिफाइल इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब नेट स्पिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अरे ये बात में आएगा, जब तक लिगेंड नहीं था तब देखो 4 का स्पिन अपवर्ड है ना, तो स्पिन कितना आ जाएगा 4 × ½, लेकिन अब सारे के सारे पेड हो चुके हैं तो इसका स्पिन कितना हो गया, 0 हो गया ना, तो स्पिन घटा या बढ़ा, अरे डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ ना, जब स्पिन डिक्रीज हो जाए तो क्या बोलोगे, लो बोलोगे या हाई, लो स्पिन या हाई स्पिन। तो देखो बेटा ये जो है ना, ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक बात दिमाग में फिट कर लो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, हमेशा क्या होगा वो आपका लो स्पिन। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, आपने पेयरिंग तो करवाई नहीं, तो ये तो वैसा का वैसे ही पड़ा है ना, जैसा मेटल में होता वैसे ही पड़ा है, तो ये क्या बोला जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, है ना। कल अपन ऑक्टाहेड्रल की वीपीटी पढ़ेंगे,
तो ये टर्म वापस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा,